इससे पहले हम लोग जो है हिस्ट्री मॉडल सेट नंबर 1 देख चुके हैं, अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के संस्थापक थे? तो हरिहर और बुक्का किस वंश के शासक थे? तो ध्यान रखना संगम वंश के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही आता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो यूरोपियन, पहला यूरोपियन जिन्होंने भारत आया तो कौन, पुर्तगाली ही था। तो वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत आया था, कालीकट में सबसे पहले आया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था जो है सबसे पहले लागू की गई थी मद्रास में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिन तक, इसलिए इसमें 18 कांड भी है, ठीक है, 18 पर्व है। ये अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का, ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और इसी के साथ जो है बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है। आगे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था आपका जो है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, इसी का नाम है। जबकि जो है वेद व्यास जो थे वो महाभारत के रचनाकार थे और वाल्मीकि जो है वो रामायण के रचनाकार थे। शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो शहीद आजम कहा जाता है सरदार भगत सिंह को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, जबकि 23वें थे पार्श्वनाथ और पहले थे ऋषभ देव, ध्यान रखना पहले कौन थे, ऋषभ देव, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे या अंतिम थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का पिता किसे कहा था? तो भारतीय संविधान का पिता कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी आपका पाटलिपुत्र में, ठीक है, सबसे पहला हुआ था राजगीर, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन, RVP के आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगर कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था 28 दिसंबर 1885 को। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो गुप्त काल में आया था फाहयान, ठीक है, ध्यान रखना है। और हर्षवर्धन के काल में आया था वेनसांग। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक हैं आपका मेगास्थनीस, ठीक है, जबकि अलबरूनी जो है वो किताबुल हिंद या तहकी के हिंद के लेखक हैं और कौटिल्य हैं अर्थशास्त्र के लेखक। तलवंडी किसका जन्मस्थान है? तलवंडी जो कि अभी पाकिस्तान में, जिसको ननकाना साहिब भी बोलते हैं, एक गुरु नानक जी का जो है वो जन्मस्थान है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? तो अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी को राजधानी। नेक्स्ट सात द्वीपों का नगर किसे कहा था? सात द्वीपों का नगर कहा था मुंबई को, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखिएगा लोभ, क्या ध्यान रखना है, लोभ, लोथल यानी कि भगुआ, ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे है, भगुआ। जबकि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी, हड़ाया ध्यान रखना है। और मौसी ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आगे श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखना है जैन धर्म। जबकि हीनयान महायान, ठीक है, ये जो है किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। धर्म की शुरुआत किसने की? तो ये की थी अशोक ने, ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्वयुद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हुआ था 1939 में। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अकबर ने किया, ठीक है, ध्यान रखना। और बंद किया इसको जहांगीर ने।
नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है ये मोहनजोदड़ो से हुआ है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली, ध्यान रखना है। गोपड़म काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोपड़म का संबंध किससे है? तो मंदिर से है, ठीक है। मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार को ही क्या कहते हैं? गोपड़म कहते हैं। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली ने किया, ठीक है। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी है विजयनगर साम्राज्य। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू एंड कानू। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की? तो लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है। जबकि हड़प नीति किया था डलहौजी ने। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो कुंवर सिंह था, ठीक है। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति? तो मंगल पांडे। भारतीय राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? तो 1911 में घोषणा हुआ था, जबकि 1912 में स्थानांतरित हो गई थी। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1773। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो ये कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। पूना समझौता कब हुआ? तो पूना समझौता 1932 में हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? तो 11 सत्र हुए थे। पहला हुआ था 9 दिसंबर 1946, दूसरा 11 दिसंबर 1946। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1631 दिसंबर 1600 को हुई थी। 1857 में के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब ने किया। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम 28 दिसंबर 1885। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में, ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 में किया और इसको आज़ाद किया 1961 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंट बेटन योजना, ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना था आपका संविधान, ठीक है। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली। कौन था? लियाकत अली, ध्यान रखना। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है यहाँ पे मॉडल सेट नंबर 2 जो है हिस्ट्री का कवर कर चुके हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप मॉडल सेट नंबर 1 को भी देख लीजिएगा और तीसरा वाला भी मॉडल सेट देख लीजिएगा, आपको जो है आसानी से आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।